हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज की मशहूर मारूफ संगीतकार जोड़ी यानी शंकर जयकिशन साहब। शंकर जयकिशन साहब ने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक ही मीटर के दो गाने कंपोज किए, बिल्कुल ही नई कहानी। सुनकर आप सब जरूर से आज ताज्जुब में पड़ जाएंगे। आज की जो कहानी है आज स्पेशली हम लाए हैं आप सभी के लिए, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली, एक बिल्कुल ही नई कहानी, एक नया ही कंसेप्ट आज हम आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शंकर जयकिशन साहब ने साल 1967 में दो अलग अलग फिल्मों के लिए संगीत दिया था, लेकिन बड़ी ही प्यारी सी घटना इस दोनों फिल्मों के जिस गीत का हम जिक्र करने जा रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। साल 1967 में शंकर जयकिशन साहब ने दो अलग अलग फिल्मों के लिए संगीत दिया था, छोटी सी मुलाकात और लाट साहब। फिल्म छोटी सी मुलाकात के लिए गीतकार थे हसरत जयपुरी जी और लाट साहब फिल्म के लिए गीतकार थे शैलेंद्र जी। आज हम जिस गीत का जिक्र करने जा रहे हैं उन दोनों गीतों की बात कुछ ऐसी है कि दोनों ही गीतों के लिए मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज दी थी। लाट साहब फिल्म के इस गीत के लिए मोहम्मद रफी साहब का साथ दिया था आशा भोसले जी ने। दोनों फिल्मों के गीतों की बात करें, फिल्म लाट साहब के लिए जो ड्यूएट बनाया था वो गीत बड़ा ही पॉपुलर था, ए चांद जरा छुप जा। ए चांद जरा छुप जा। फिल्म छोटी सी मुलाकात के लिए जो मोहम्मद रफी साहब ने गीत गाया था उस गीत के शब्द थे ए चांद की सेबाई। ए चांद की सेबाई। यहां इंटरेस्टिंग बात आज हमें आप सबको यही बतानी है कि हसरत जयपुरी जी ने और शैलेंद्र जी ने दोनों ने एक ही मीटर में ए चांद जरा छुप जा और ए चांद की सेबाई दोनों ही गीतों को लिखा था, लेकिन शंकर जयकिशन साहब ने इस गीत की जो अलग अलग धुनें बनाई थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ए चांद की ज़ेबाही के कंपोजिशन पर ए चांद जरा छुप जा भी गा सकते हैं, ए चांद जरा छुप जा के कंपोजिशन पर आप ए चांद की ज़ेबाही गाना भी गा सकते हैं। ए चांद जरा छुप जा, ए चांद की ज़ेबाही, ए वक्त जरा रुक जा, तू झूल जा बाहों में, रुख उनका इधर को है, मदहोश बहारें भी अब क्यों न बहारा, लेने लगी अंगड़ाई, दुनिया न बदल जा। लेकिन शंकर जयकिशन साहब ने अपनी संगीत की वो फन को निचोड़ कर रख दिया कि दोनों गाने उसी दौर में एक साथ ही पॉपुलर हुए और उतने पॉपुलर हुए कि जिनकी मिसालें आज भी दी जा रही हैं। और इन दोनों गीतों को पॉपुलर करने के लिए मोहम्मद रफी साहब का जो योगदान है वो बिल्कुल ही कम नहीं है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हम आप सभी के कमेंट्स के लिए इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा, आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।